हमारे नज़दीक होते हैं हम उनको ट्रीट ऑन स्ट्रीट करते हैं ताकि जो दूर के होते हैं हम उनको ला पाएँ और उनकी केयर कर पाएँ। तेरे मुँह कैसा बता दे, इसके मुँह में लगा हुआ कट बजा हुआ था तो अब हमने इसको ऑल्टरनेट पे कर दिया हुआ है तो तीसरे दिन आते हैं कीड़े पर। हाँ हो गया हो गया। हमारे यहाँ पे इस समय दो गुस्सैल बैल हैं जिनसे मैं दोस्ती करने आया हूँ और दोस्ती करने का सबसे अच्छा माध्यम तो खाना ही है। पर पहले मुझे यहाँ पे ये चार्ली, बेडी जी, राजा, इनको टोल टैक्स देना होगा तो ही मैं आगे जा सकता हूँ। ये जो विशालकाय बैल बैठा है ना, हमने इसका नाम वैसे मिट्ठू रखा है। डॉक्टर अनीशा का कहना यह है कि भाई हम जिस तरह के नाम देंगे उसी तरह की इनकी पर्सनालिटी हो जाएगी, तो इसका नाम ताबड़तोड़, अफलातून ऐसा कुछ नहीं हमने रखा। हम नहीं चाहते ये और थोड़ा नाराज़ हो जाए। मैं तो सिर्फ रोटी खिला रहा हूँ, हिम्मत तो साहिल और नवीन और बाकी ट्रीटमेंट टीम की है। दूसरा जो बैल नाराज़ है और वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। डीजे एसिड, जिस पे किसी ने एसिड फेंक दिया। चूचू बहुत लड़ता है लेकिन खाने के नाम पे देखो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखो, अरे जैसे हम थे बचपन में माँ बाप से वैसे सारा दिन लड़ाई करना, पर अगर खाने में कुछ स्वाद है तो हाँ ओके। हे बड़ी, अभी तो हम दोस्ती कर रहे थे, क्या हुआ? अभी तो हम शूट भी कर रहे थे इसके। ले भाई ले ना, आर्ट पीछे रहे। वो थोड़ा ना ओवरवेलम हो रहा है इतने सारे जानवरों से घिरा प्राप्त करके अपने आप को। ले नहीं तो ये वार्निंग दे रहा है, बेस्ट है कि मैं पीछे हट जाऊँ। चोट लगी क्या? नहीं पता नहीं भैया, ये मेरे ख्याल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। स्मेल है, मक्खी है लगी हुई है इसको। कल परसों तो मांस इसमें से निकल रहा था, मांस गिरा हुआ था इसका। एक चलो अब इसकी लाइफ बन जाएगी, आप पे भरोसा है, बस यही बात थी। वो बोले थे गवर्नमेंट वाले ने ना कास्टेशन किए सभी किया के उसके बाद इसको ये हो गया। मेरे पीछे ना इस समय मिट्ठू का ट्रीटमेंट चल रहा है और आप देख रहे होगे कि कितनी इसको भी तकलीफ हो रही है, हमारी टीम को भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसा ही एक वीडियो देख के किसी ने अपना डेयरी खोलने का प्लान बदल दिया। देखिए, किसी का शोषण करके आप पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन आप सोचे कि आप जीवन में खुश हो जाएंगे, वो कभी भी नहीं होगा। मेमी आज सैड क्यों लग रही है? सैड नहीं है, त्रस्त हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब इतने नए केसेस है ना, इस वजह से हम उसको शेव नहीं कर पा रहे। अब आज शेव करेंगे। मिमी का भी समर हेयर कट हो रहा है। कहाँ कुछ होती है, देखने के लिए गंदी होगी। उसकी हेयर में हम 2 बार कटवाते हैं ना बाल। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे हमने इस मीमड़ी को बचा रखा है ना, उसी तरह झारखंड में एक आसिफ जी हैं, उन्होंने भाकू नाम के एक बकरे को बचा रखा है। जब हमने उनका वीडियो डाला तो एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि भाई वीडियो देख के किसी के मन से धर्म वाला जो भेदभाव है ना वो ख़त्म हो गया। और मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि मुझे लगता है कि भाई आज कृष्ण जी भी धरती पर आ जाएँ तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी किताब को आपने घर में इज्जत दे रखी है, पर ये कि आप जीवों को मारते हो या बचाते हो। कदरम बारिश को मिलने कुछ महीनों पहले उसकी अडॉप्शन हुई है, अभी हम सरप्राइज विजिट के लिए आए हैं। ओए मेरा बच्चा सो रहा था, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे सुंदर सुंदर बेटा। अपन पहचान गए, अपन पहचान गए। हमें लगा कि 3 दिन तो इसने भौंका ही नहीं, हमें लगा कि भौंकती भी नहीं है। फिर जब दूसरा कुत्ता आया ना यहाँ पे तो उसको फिर पड़ गई थी। ऐसे करते थे अपन, बस मम्मा से नहीं बनती है थोड़ी इसकी ना। अच्छा। क्योंकि वो उनसे डरती है और मम्मा थोड़े पसंद भी नहीं ज़्यादा। हमें सबको पसंद। थैंक यू। मैम चाय वगैरह पी ली? नहीं नहीं, लेट हो जाएंगे, काम के बीच में से आए ना हम तो। आज उसको आना भी है और इंजेक्शन का भी डर है। अभी कैसी है? अभी ठीक है। कौन सा डॉग है? पांडा। इतनी सी आई थी। कितनी 15 फीट से गिर भी गई थी बेचारी। मेरे को बड़ा अफसोस होता है उसका। एडवेंचरस लाइफ है उसकी। सिट सीख गई थी, स्टे सीख गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो ब्रीड वाले कुत्ते होते हैं वही सीख पाते हैं, लेकिन स्टे भी सीख सकते हैं। बहुत समझदार है ये। अब कह रही है कि चलो चले चलो, ठीक है। दो फ्रैक्चर हो गए। कैसे? ये पता नहीं, जंगल में लगाते हैं वो फाइन वगैरह। चांस तो बहुत कम है ना। क्या सर्वाइवल टांग तो नहीं बचेगी, वो इतना बड़ा ओपन फ्रैक्चर, हड्डी पूरी निकली हुई है कितने दिन से पता नहीं। Almost severe dehydration है। कल रात को मिडनाइट में कैसे केस आ गया? मुझे 11:30 बजे फोन आया था अनिरुद्ध का, जब हम लोग रास्ते में थे, लौट रहे थे, बाहर गए थे ना, उनसे कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, वो बस सीधा उठा के ले आए 11:30 बजे। मैं क्या भेजती वापस, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए मेरे। आ गया बस, मैं आ गया बस नहीं बच्चा हो गया बच्चा। इतने गंदे मैसेज पड़े हैं। राजा मेरा मूड नहीं है ठीक है। मैं देखो ना सबसे अग्रेसिव बैल के पास छोड़ाऊंगा, वो मारेगा तेरे को ऐसे, फिर तेरे को अक्कल आएगी। तो इसके दूध का भी क्या कर रहे हैं हम रख रहे हैं फ्रिज में। नहीं तो इसका दूध हम फ्रिज में क्यों रख रहे हैं? अभी तो परसों का रखा हुआ है फ्रिज में, कल निकाले नहीं है सर, हम लोग भूल गए। तो इस्तेमाल करो, पपीज को दो, खत्म करो। वालों से पूछो खरीदते हैं क्या, पीप कर देना, वो मेरे पीछे बढ़ जाते हैं। पहले भी नूडल्स भेज, कल वो बुलाया ना टेस्ट करने। हाँ जी, कहाँ पे मिल सकते हैं? जो हाँ पीछे कास्ट्रेशन कर रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले, ये गवर्नमेंट कास्ट्रेशन की वजह से हुआ है नतीजा। आधा नीचे से खाया हुआ है मैगट से। तो वो तो कास्ट्रेशन बिना ब्लड वाली करते हैं ना, जिसमें खून नहीं निकलता। नहीं, लेकिन अगर आपने मतलब अगर प्रोसीजर गलत हुआ है, अगर गलत जगह पे प्रेशर डाला या उन्होंने साथ में कॉटन नहीं लगाई पिंच करने से पहले, कट हो गया, नहीं परवाह करी, या बड़े सारे जो ये नए वेट्स आते हैं उनका होता है कि ये जो स्ट्रीट एनिमल है ये प्रैक्टिस करने के लिए हैं, बड़ी सारी चीजें जो भी चल रहा है ना कि वो बुल्स पकड़ के लोग कैस्ट्रेट कर रहे हैं, वही मेरे को लग रहा है। अच्छा, हमने हंसी का मैं आपको बता दूं, हंसी का वो था ना स्किन कंडीशन थी पूरी यहाँ पे ठीक हो गई है, लेकिन उसको हम रिलीज करेंगे तो फिर वो हो जाएगी। अभी पूरी ठीक है, ब्रेन के साथ अभी पूरी तरीके से ठीक हो गई, वेट भी गेन कर रही है, एनरिचमेंट के बाद खुश रहने लगी है, पैर का थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है। तो हमने बड़े टाइम से आपसे अडॉप्शन के लिए हेल्प नहीं मांगी, प्लीज़ आप हंसी को या तो अडॉप्ट करो या करवाओ, नहीं तो वो उसी हालत में पहुंच जाएगी जहां से वो हमें मिली थी। एक मुझे स्किन केसेस की हम बात करें तो जो ब्रेन भाई साहब हैं जी, जिसकी हालत तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर मीशा ने मेंशन किया था कि हो सकता है कुछ कैंसर भी हो सकता है, तो उसका कंफर्मेशन है कुछ? नहीं सर, क्योंकि देखिए कंफर्मेशन के लिए तो बायोप्सी करनी पड़ती है, और अभी इसकी स्किन में इन्फेक्शन इतना है कि उस लेयर तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम कुछ अंदर मतलब बायोप्सी के लिए कोई वो निकालते हैं फ्लूइड, तो जो इतना इन्फेक्शन है वो उसमें मिक्स हो सकता है और प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी। इसकी कंडीशन ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब तुम तो अपना वो तो करो ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाली सिचुएशन। और एक चीज़ थी जो डॉग आया ना, नहीं अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, कल जो डॉग आया ना, वो सुबह भाग गया था ना। हाँ जी, तो वो हमारे घर के सामने आ गया था, फिर हमने उसको पूरा ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। 15 मिनट बाद अनिरुद्ध का फ़ोन, मैंने उसको फ़ोन किया देखने की अगर फार्म स्टे के आसपास कोई, और अनिरुद्ध सीसीटीवी उसने ऑन किया था, तो वो यहीं पे बैठा हुआ था ना। अच्छा। अंदर कहीं, फिर हम आए सब दौड़े, फिर उसके बाद साहिल ने उसको बोला ले आजा, तो वो साहिल के पीछे पीछे मस्त कैनल में चला गया ना, कैनल में जाके बैठ गया। पहले साहिल ने गलती से S1 में रख दिया था उसको, फिर दूसरा डॉग है अंदर, तो हमने बोला नहीं, फिर उसने गलती से यहाँ रख दिया, यहाँ भी दूसरा डॉग था है ना, फिर हमने बोला नहीं वहाँ रखना, तो वो उतने बार उसके साथ गया आराम से। चाचा ये क्या कर दिया पूरे एनिमल एरिया का आपने? गर्मी होगी भाई, धाम लगा रहे हैं क्या हम? हाँ, शादी लग रही है मेरी। किस लिए कर रहे हैं चाचा हम ये? जाम रोको, धूप लग रही भाई। सुधांशु भाई ये वाला टाइट करो यार, ये मेरे सिर में बजेगा, बहुत नीचे है। टाइट कर देंगे अभी। चाचा बहुत अच्छा काम करा आपने ना, ये कर दिया। चलो अच्छा, आपको अच्छा लगा काम? हाँ, बैलों के लिए भी मेरे लिए भी। अब मेरे को भी धूप नहीं लगेगी ना शूट करते टाइम। भाई ज़्यादा टेंशन हमें आपकी थी। सही बात है चाचा, बहुत क्या आप सारा दिन कैमरा लेके चलते हो, सारा दिन पसीने हो जाते हैं। चाचा इंटरव्यू दे। जो पशुओं वाली टीम है ना, जो योग में काफ़ी एक्टिव है, वो अभी आए हैं एक डॉग लेके। एक्चुअली मेरे को कॉल किया था किसी ने कि बहुत ऐसे एग्रेसिव डॉग है, मेरे को दार से भी आया था कॉल में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे काट रहा है सबको, 5-6 लोगों को काट चुका है, और वहाँ पे बच्चे वगैरह बहुत जाते रहते हैं, तो जो भी वहाँ से जा रहा था डंडे पत्थर लेके जितने भी इस रास्ते से होकर गुजरेंगे ना, सारे हाथ में डंडा या पत्थर लेके गुजरते हैं। किसी बंदे ने आया था, उसने पर्सनली बताया कि मैं जस्ट चल रहा था वहाँ से और मैं रुक भी गया इसको देख के। और उनके जो ओनर थे कि शायद पता नहीं इनके साथ ही चलते, जहाँ जो खाना देते हैं, उन्होंने बोला कि आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। तो वो रुक भी गया, तब भी उसने काट लिया। इसको वहाँ विलेज में आए कितना टाइम हुआ? 2 दिन हुआ। पहले जंगल में था ये, तो जंगल में बोला जो भी जाता था तो जंगली डॉग्स के साथ था पहले, ऐसे बताया। तुमने बात की कहीं एसडीएम वगैरह से कि क्या करना है? एसडीएम वगैरह से क्या बात करें, अब हम इसकी कैस्ट्रेशन करेंगे, है ना? ठीक है, देखते हैं। अगर उससे थोड़ा सा बिहेवियर शांत होता है, कुछ दिन तो हमें हीलिंग के लिए भी लगेगा, उसमें हमें समझ भी आएगा कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा, क्योंकि कुछ दिन बाद डॉग वैसे नॉर्मली शांत हो जाते हैं। बट देखते हैं, अगर कुछ भी नहीं बन पाया, अगर डॉग उतना ही अग्रेसिव है तो हम भी ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ के वैसे लोगों ने भी यही बताया है कि हम तो इसको कल रात को मारने वाले थे सारे डंडे वगैरह लाके। अच्छा। तो लेकिन वहाँ का जो प्रधान है उसने बोला नहीं, हम कहीं बात कर लेते हैं, अगर कोई ले जाए तो फिर ठीक रहेगा। देख लेते हैं, अगर हो जाता है शांत तो ठीक है, नहीं तो फिर उनसे पूछ लेंगे क्या करना है, रिलीज करना है या क्या करना है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। साहिल भाई अपने ये गंदे जबान हटाओ। यस साहिल, साहिल भाई गंदे जबान हटाओ यार प्लीज। डॉक्टर क्या पेडीक्योर चल रहा है? हां, एक अच्छा पेडीक्योर चाहिए। नहीं, मैं नहीं कराता पेडीक्योर, मैं बस नेल कटर में काट लेता हूं। ज्योति क्यों काट रहे हैं बेटी जी के वो? क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके नेल्स ना, तो चलने में तकलीफ हो रही है। हुफ कटते हो देखा? हाँ। तो क्या पर्पस था उस हुफ को काटने का? क्योंकि जो वहाँ पर इंजरी जो थी, तो उसके वजह से वहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, है ना? जब ये चलता है तो जो सड़ा हुआ पोर्शन है ना, मतलब जो डेड टिश्यू वाला पोर्शन था, उस पर वेट इसका बहुत जा रहा था। जो हूफ का सड़ा हुआ हिस्सा था वो हमने कट कर दिया ताकि उसका जो हूफ है वो स्टेबल हो जाए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर हम वो हटाते नहीं तो वो वेट वहीं पे जाता पूरा। कौन आया नया? देखो अपनी न्यू फैमिली के साथ आया है अपने वैक्सीन के लिए। भैया कैसे रह रहा है आपके फैमिली में? बहुत अच्छा, बढ़िया से रह रहा है। परेशान तो नहीं करता? नहीं। आपने क्या नाम रखा था इसका? टाइगर। टाइगर तो टाइगर नाम से सुनता है अब ये? सुनता है। ये रूबी तेरी फाइनल सगी वाली रूबी क्यों तेरे ऊपर गई है? अरे क्या बात है, क्या बात है, तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि बहुत ही ज्यादा शरीफ है ये। ज्यादा शरारती नहीं करनी है। काफी अच्छी होगी ना ये? अच्छा यहाँ देख क्या हो गया तुझे, क्या विक्की मेरे से बोल रहा था ज्यादा सर चढ़ा रखी है ये, मत हमारी बेइज्जतियां करा कि तुम्हारी लड़की कैसी बिगड़ी हुई, कोई तेरे से शादी नहीं करेगा फिर। जी आपकी लड़की का नाम है? एक सेकंड रुक जाओ। विक्की कैसा लगा? मेरे लड़के का नाम है विक्की ना। आंटी जी क्या हुआ इनको? वो रात को बैल ने मारा है ना। किसको? बेड़ को वो मारा तो उसको फिर इधर टंके लवाए ना वो मारा। और इसको क्या हुआ? ये तो ऐसे लाए साथ में। उसको दोस्त है क्या? हाँ जी, अकेले नहीं आती है नहीं, इसलिए अपने साथ दोस्तों को लेके चले। हैशटैग सोलो ट्रैवल ना करें। यहाँ आपने कोई नाम रखा है इसका? हाँ। भिंडी बोलते हैं। भिंडी? हाँ जी। अच्छा और उसका? टिंकू। ठीक है, ये टांके लाने लाए हो, बाकी तो खाना पीना ठीक ही है इसका। तो इसको यहाँ पे एक्सिलरी रीजन पे कट था, और जिस दिन पहले दिन हुआ था उस दिन हमने सूचरिंग कर दी थी क्योंकि हम वापस इमीडिएटली ले आए थे ये। उसके बाद हमने इसका एंटीबायोटिक का शेड्यूल चलाया, उसके बाद ये इसका जख्म हील हो गया। तो सूचर्स को स्टे करने के 14 दिन के लिए रखा था हमने, और आज ये निकलवाने आए हैं उसको। आज इसका लास्ट ट्रीटमेंट है क्या डॉक्टर मंजू? हाँ जी। आज आप तेरे को घुमा के लाता हूँ। शाबाश। 2 मिनट भाई। विक्की ये क्या है जो हाथ में लेके चल रहा है? छाता? भाई यार ये छाता है बेसिकली, सर ने मेरे को दिया था बारिशों के लिए। हाँ। इसको मैं ऐसे पकड़ के खींचते हैं, मस्त है, मतलब मेरे को आज मैंने यूज करा, अच्छा लगा। तो अच्छा आज तो बारिश नहीं आ रही थी? लेकिन आ रही थी, अभी हम एक गाय का रेस्क्यू करने गए थे ना, वहाँ आ रही थी। इसको अपने सिर पे पहन लेते हैं। अच्छा मतलब फिट हो जाता है बिल्कुल। पहले मैंने फर्स्ट टाइम पहना था ना तो मेरे को नहीं लगा उतना ना। अच्छा। पहले मैं गिम्बल से शूट कर रहा था तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगा। इसको सही कर ले। अबे बारिश में आई हो लड़ने। अबे पहाड़। अबे इससे नीचे करना टोपी को, उसको रबड़ जो है जैसे हम कैप को नीचे करते वैसे नीचे करते। सारे तूफान झेल जाऊंगा इससे। 2 मिनट आपको दिखाते हैं शरारती तत्वों का असली चेहरा। स्टे ट्यून। अभी हमारे फार्म पे एक काफी इंटरेस्टिंग विजिटर आई हैं अवधूता प्रिया, जो ISKCON के साथ सालों से हैं और इन्होंने ISKCON कह रहे हैं मुझे कुछ काफी इंटरेस्टिंग बात पाई। मेरा जरा हुआ ISKCON में 1991 में, तो 30 साल से ज्यादा हुआ। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, स्कूल से निकल गए तो मैं टेम्पल ज्वाइन कर लिया और वैसे 30 साल में मैंने देखा अलग अलग चेंज हो रहे हैं हमारे समाज में और समाज से चेंज ISKCON में भी हो रहा है, क्योंकि समाज आजकल विदेश में तो मतलब डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, नॉन वायलेंस ये सबको एम्ब्रेस करता है। तो इसलिए यहाँ पे इस फार्म पे आकर रॉबिन से बातचीत करके मैंने उनको बताया कि हम हमारे ISKCON लोगों को रॉबिन के पास भेजना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग करना, क्योंकि उनके पास बहुत प्रोफेशनल स्किल्स है जो कभी कभी जो हमारे मंदिर लोगों के लिए अपग्रेडिंग चाहिए। सब लोगों को मतलब अगर नए स्किल्स मिल सकता है जो भी जगह से तो अच्छी बात होता है। स्किल्स से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मुझे जो ISKCON से रहा है ना कि भाई हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम गौ सेवा में विश्वास रखते हैं, तो फिर हम डेयरी कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये मेरे को हमेशा से एक कंप्लेन कह लीजिए रही है। तो वेस्ट में आप कह रहे थे कि ये बदलाव बदलाव हो रहा है। जैसे वेस्ट जो हम देख सकते हैं योगा मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया और वो लोग जो योगा करते हैं मतलब जो स्पिरिचुअलिटी की एम्ब्रेस करते हैं, उन इस सर्कल्स में बहुत ज़्यादातर वीगन लोग होते हैं। तो इसलिए वो चेंज जो हो रहा है हमारे ISKCON में, अगर हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी अहिंसा देना चाहते हैं तो वीगन डाइट को भी देना उनको चाहिए। अगर हमारे कुछ फेस्टिवल हो रहा है, मंदिर में कुछ फंक्शन हो रहा है, वेडिंग पर कोई जा रहा है ISKCON पर, तो अगर फीस्ट वीगन नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। मतलब कि ज़्यादातर लोग वीगन डाइट एम्ब्रेस करते हैं। और वही बात कि डेयरी की यूजेज जो होता है तो अहिंसा तो नहीं है, है ना। तो इसलिए ये तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे धीरे। हम इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मुझे बोलना पड़ेगा कि हम वे कैचिंग अप ऑन दिस। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ जी जी, ट्रांसलेट कर दीजिए। सही देखा, तो मैं ये जो कहता आया हूँ कि डेयरी और हिंसा लिंक्ड है, मैं पागल नहीं हूँ। विक्की, क्या हुआ तेरे साथ अभी? मैं नहीं बता सकता। बता दे भाई, क्या होगा? भाई हमारे फार्म में कुत्ता, हाँ, उसका नाम है स्पॉट, ठीक है, उसको भाई बांध के रखना पड़ेगा। मैं ये दरख्वास्त डालूंगा हाईकोर्ट में। और अब भी पीछे पड़ गया, बता यार। भाई मैं वहाँ से क्रॉस हो रहा हूँ, पीछे पड़ लिया, वो तो मेरे को फुर्ती ना होती तो मैं उठा लेता। आज विक्की इतना फिट, मोटा, ताजा, तगड़ा ना होता, पेट बाहर ना निकला होता तो आज विक्की बच गया होता। कहाँ से पेट निकला हुआ है? अंदर दिखाइए यार, पेट से पेट निकला हुआ भाई। कब तक सांस रोकोगे? अबे कहाँ सांस रोक रखी है यार? यू गाइस आर बुलिंग मी यार। ओ भाई देखियो, देख 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 यार, इतना तो होता ही है, वो तो खाते पीते करते। नहीं भाई, हमारा तो नहीं होता। अभी मैं गया स्पोर्ट की और मेरी आंखें लगी नहीं। तुम तो यार ऐसी बात करो जैसे पूरे देश में लोग जो बात करें कुत्ते कटते में हो रहे हैं। मैं नहीं है क्या वो मेरे ऊपर नहीं, फिर ये गया उसके बाद कुनाल पे घुस आया, किसी का पैर वैर आया होगा उस पे। नहीं, इतना दूर था वो, मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, फिर मैं सोफे से चढ़ के। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूँ तुमसे पहले हो सकता है ना किसी का पैर उस पर आया हो, तो जब तुम लोग उसके पास से निकल रहे हो तो उसको ये है कि यार मेरे पे पैर ना रख दे, ये कह रहा हूँ मैं सिंपली। एक तो कोई भी कुत्ता पहले वार्निंग बाइट देगा तुम्हें, घुर्राएगा गुर्राएगा, काटेगा भी तो सीधा हाथ नहीं पकड़ लेगा। स्पॉट ये ले, आजा। स्पॉट द स्पॉट। हाय, कुछ नहीं कह रहे तुम यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बस रोटी खिलाओ भाई तुम। और वैसे भी अगर कभी डॉग्स के साथ कुछ करना भी है ना तो थोड़ा नीचे लेवल पे करो तो बेटर है, क्योंकि ऐसा ना हो, मानो ना मैं तुम्हारे पे ऐसे चढ़ के तुम्हारे को कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें तो अजीब लगेगा, तुम भी ऐसा होगा, तुम्हारे पे भी गुर्रा है। मेरे से ठीक रहता है, बट इसके साथ इसलिए हुआ। तुम रहने दो, तुमने भाई चंबी के बारे में अफवाह उड़ाई थी। मैंने उसको चंबी बोला और काटने वाला नाम है तेरा चंबी यार, उच्चारण तो रहा होगा। एक चीज़ जो मीडिया ऑफिस में नोटिस कर रहे थे ना, वो ये कि भाई हमारे जिन वीडियोस पे लाइक्स ज़्यादा आते हैं उन पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और फिर उन्हीं में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो भाई आप हमें अगर डोनेट नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, हो सकता है तो वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे हर व्लॉग पे 1 लाख व्यूज़ न्यूनतम आएँ।